जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि बड़ा ही विस्मय प्रदान करती है, यानी कि ये घटनाएं ऐसी होती है जो कि हमें अच्छे और बुरे के संकेत प्रदान करती है। प्रायः सभी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें हमेशा शुभ हो, उनके साथ भला हो और उनको अच्छा संकेत कुछ मिले। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि अगर कई समय से अगर आपके कार्य रुके हुए हैं या कार्य में बाधा आ रही है या कि प्रकार की कोई शत्रु की बाधा भी क्यों ना आ रही है या जीवन में कोई ग्रह बाधा भी क्यों ना हो या चाहे व्यापार बाधा भी क्यों ना हो, चाहे हर प्रकार की कोई भी बाधा क्यों ना हो, कुछ ऐसे संकेत देवी देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं तो उनसे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारा अच्छा समय आरंभ होने वाला है। वे संकेत वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं और कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। एक आम आदमी अपनी नजर से उन संकेतों को देख नहीं सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर के बाहर से सफेद गाय विचरण करती हुई निकले या ठहरे तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा हमेशा प्रायः हम सुबह या शाम को, आपको पता होगा कि हर मंदिरों में आरती होती है, मगर कभी कभी स्वप्नावस्था के दौरान अगर मंदिर में घंटियों की ध्वनि या शंख की ध्वनि, भजन कीर्तन आदि इत्यादि दिखाई दे या आप सपने के अंदर स्वयं किसी मंदिर में हैं, तो भी समझ लीजिए कि आपका समय बड़ा ही शुभ होने वाला है और बड़ा ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, आपका भाग्य का उदय होने वाला है। इसके अलावा नव वर वधु का दिखाई देना भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर कोई दुल्हन आपको 16 श्रृंगार किए हुए सामने प्रतीत हो जाए या मार्ग में दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी विपदा टलने वाली है और बड़ा ही शुभ संकेत हो सकता है, आपका अपने प्रेमी जन से मिलाप हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अब बात होती है नारियल की। घर से निकलते वक्त या रास्ते में मार्ग के अंदर रास्ते के बीच में अगर नारियल अचानक आन पड़े और दिख पड़े या नारियल किसी प्रकार से आपके सामने आ जाए तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि नारियल श्री फल माना जाता है, श्री यानी कि मां लक्ष्मी, तो इसलिए अगर वह दिखे समझ लीजिए कि धन प्राप्ति का आगमन आपके जीवन में अति शीघ्र होने वाला है। इसके अलावा कई लोगों के ऊपर पक्षी बीट कर देते हैं जिसमें रात्रि काल में चमगादड़ भी होते हैं और पाया कबूतर बीट करते रहते हैं, मगर इस बात को मान लीजिए कि अगर आपके ललाट के ऊपर कबूतर बीट कर दे तो आप समझ लीजिए कि आपका कोई संकट टल गया है। ये बात का संकेत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा स्वप्नावस्था के दौरान अगर आपको सांप दिखाई दे, यानी कि निंद्रा के अंदर प्रातः काल जब उठे और आपको मालूम पड़े कि आपने सपने में किस सर्प को देखा है, तो सर्प का दिखना यानी कि कोई गुप्त शत्रु का अंत हो जाना माना जाता है, यानी कि कोई आपका ऐसा छुपा हुआ शत्रु है जो पीठ पीछे गांव करता है तो उसका अंत होने वाला है, उसकी शत्रुता आप समाप्त होने वाली है, इस बात को आप जान लीजिए। इसके अलावा एक विचित्र प्रकार की या तो उल्लू की या फिर कोयल की ध्वनि ब्रह्म मुहूर्त में या फिर स्वप्नावस्था के दौरान या फिर रात्रि काल में सुनाई दे। ये पक्षी रात्रि काल में विचरण करते हैं और इनका समय ब्रह्मवेला में भी होता है, तो ऐसे पक्षियों की ध्वनि अगर स्वप्नावस्था के दौरान भी सुनाई देती है तो भी बड़ा शुभ माना जाता है, यानी कि पक्का आपके आर्थिक द्वार खुलने वाला है, कोई बार बार आ रही रुपए पैसे में रुकावट है जो दूर होने वाली है और जीवन में खुशी के पलम्हे और पल आने वाले हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आपको बताना चाहता हूं, किसी पक्षी का अचानक आमने सामने से निकल जाना। मान लीजिए आप रास्ते में मार्ग से गुजर रहे हैं या कहीं बैठे हैं, अचानक से कोई पक्षी आपके नजदीक से निकला है या वो एक सर्राटे के साथ एक फटाफट से निकला है और आपके सामने से निकला है हवा के झोंके की तरह, तो समझ लीजिए कि आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। जिस इष्ट की आप उपासना करते हो, चाहे वे कोई भी देवी देवता से संबंध की क्यों न हो, मगर उसकी कृपा अब आपको प्राप्त होने वाली है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे। और कछुए को प्रायः घर में लोग पालते हैं और वैसे कछुआ भाग्य का प्रतीक होता है,
मगर विशेष रूप से हालांकि कोई प्रकार के जानवरों को घर में पालना नहीं चाहिए, फिर भी ज्यादातर लोग कछुए को शुभ फल मानते हैं और ऐसा भी माना जाता है क्योंकि ये जो सृष्टि है और सृष्टि के अंदर जो सबसे बड़ा दुनिया का घटनाक्रम जो कि क्षीर सागर में हुआ था वो कछुए के पीठ के ऊपर ही हुआ था और उस समुद्र मंथन के अंदर सबसे बड़ा रोल भी उस कछुए ने निभाया था। तो कछुआ हर प्रकार से भाग्योदय का प्रतीक माना जाता है। मान पड़े रास्ते के अंदर अगर आपको कछुआ कहीं दिख पड़े या कहीं आप टहलने या घूमने जा रहे हैं, कोई नदी या तालाब पड़ता है और आपके कछुआ ऊपर आकर के वापस पानी में आपको देख करके चला जाए, तो समझ लीजिए कि धन आगमन का एक विशेष प्रबंध कोई देवताओं के द्वारा आपके लिए हो रहा है। और इसके अलावा गलती से शर्ट को उल्टा पहन लेना या टी शर्ट को उल्टा पहन लेना, ये बड़ी विचित्र बात है मगर ये बात बिल्कुल सत्य, इसमें बड़ा ही तथ्य छिपा हुआ है क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम उल्टे कपड़े पहन लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि जल्दी हम किसी न किसी विपदा से बाहर निकल गए हैं। यानी कि जब हम उल्टा कपड़ा पहनते हैं और फिर हमें मालूम पड़ता है कि कपड़ा हमने उल्टा पहन लिया तो हम उसे दोबारा सीधा पहन लेते हैं, इसका तात्पर्य यही होता है कि कोई विपदा आई और वो टल गई, तो ये भी बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। रास्ते में शुभ संकेत यानी कि कोई सिक्के धन इत्यादि का मिलना, कई बार कई लोगों को चांदी के धातु मिल जाते हैं, किसी को सोने का धातु मिल जाता है या किसी को 5-10 रुपए का सिक्का भी क्यों ना मिल जाता है, वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चाहे 1 रुपए का सिक्का भी क्यों ना पड़ा हो, आपने उसका आदर सम्मान करके उसको उठा लिया है और अपनी जेब में रख लिया है, समझ लीजिए आपने साक्षात महालक्ष्मी का आपने सम्मान किया है। बसरते वह सामने जिस व्यक्ति का गिरा है या है और उस वो आपको नहीं देख रहा है तो आप उस सिक्के को ऊपर अवश्य आप लेकर के अपने पास संजो कर रखें क्योंकि वह अगर किसी के पैर में आएगा तो इससे लक्ष्मी दोष लग जाता है, इसलिए या तो उसे कहीं मंदिर में दान करें या फिर अपने स्वयं के पास रखें, इससे घर में बरकत होती है और धन आगमन और धन के रास्ते खुल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा रास्ते में मुर्ग का दिखाई पड़ना भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। यानी कि कई दफा देखा होगा, कई इलाकों में वैसे तो जंगलों में ही मोर होते हैं मगर कई बार वह शहरी क्षेत्रों में सुबह या शाम को आ जाते हैं और हमें अचानक से दिखाई पड़ते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको दिखाई पड़ता है और वह फिर शोर मचा करके सबको बुला करके दिखाता है, ये लो मोर आ गया सामने। तो इस प्रकार से वैसे किसी को बताना नहीं चाहिए, अगर आपको दिख गया है तो बड़ा ही शुभ संकेत है क्योंकि किसी न किसी का कोई आपके प्रति आकर्षण यानी कि कोई आपका प्रियजन मित्र जो है जो कि आपसे काफी समय से जुदा था अब आपका उससे मिलन होने वाला है, वो इसका प्रतीक होता है, इसलिए इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए तभी व्यक्ति का कार्य संपन्न होता है, मगर वह एक संकेत दे जाता है कि आपका अपने प्रियजन से मुलाकात संभव है। प्रातः काल में निंद्रा अवस्था में जाग करके बिस्तर पर जब अपने आदमी जागता है तो जब उसके चाहे बायां हाथ हो चाहे दायां हाथ हो हथेली के अंदर खुजली होती है, हथेली के अंदर खुजली होना एक बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इसे हर प्रकार की खुशखबरी से हम जोड़ करके देख सकते हैं, चाहे वो धन संबंधी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो परिवार की समस्या संबंधी क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रकार की आपकी टेंशन है तो टेंशन का अब निवारण होने वाला है। और इसके बाद में अब आपको मैं जो बात बताने वाला हूँ कि ये संकेत किनको प्राप्त होते हैं, ज्यादातर 99% यह संकेत उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो कि अपने इष्ट की नित्य उपासना करता है। 365 दिन में वो किसी भी समय अपने इष्ट को नहीं भूलता है, चाहे वो ट्रेवल में क्यों ना हो, वो मानसिक रूप से अपने इष्ट का कम से कम 10 मिनट जप करता है तो अवश्य ही उसी व्यक्ति को ये सभी सिद्धियां और ये संकेत ज्यादातर प्राप्त होते हैं। बाकी अगर किसी को होता है तो वो उसके प्रारब्ध कर्म से हो सकता है, मगर ज्यादातर जो अपने इष्ट का सच्चा उपासक होता है जो कि नित्य प्रतिदिन अपने इष्ट को भूले बिना एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करता है, यानी कि अपने इष्ट की उपासना किए बिना एक अन्न का दाना पानी भी नहीं पीता है, ऐसा व्यक्ति ही अपने इष्ट का सच्चा प्रेमी माना जाता है, भक्त माना जाता है, उसके ऊपर हमेशा उस देवी देवता की कृपा दृष्टि रहती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ऐसे संकेत अवश्य मिलते हैं और जरूर मिलते हैं क्योंकि उनका देवी देवता स्वयं उनका समस्या का निवारण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके हर प्रकार से उनका ख्याल रखते हैं जो कि
सच्चे प्रेम से ईश्वर की भक्ति करता है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।